नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सफ़ेद कटेरी लेकर आया हूं, और इसे बड़ी कटेरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, कटेरी के दो प्रजाति होते हैं, एक छोटा कटेरी होता है, एक यह है बड़ा कटेरी। इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। यह पौधा करीबन 5 फुट से लेकर 7 फुट तक बड़ा से बड़ा होता है, और इसके फल इस तरह से गोल गोल होते हैं, देख लीजिए। और इसके पत्ते जो हैं इस तरह से होता है, बैंगन के पत्तों जैसा दिखाई देता है, और इसके डंठलों में जो है कांटे भी होते हैं। वो कांटे भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बहुत हल्का हल्का कांटा है, तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों। यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, दवा है। बहुत से लोग इसे जंगली बैंगन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी जंगली बैंगन यानी सफ़ेद कटेरी के फायदे के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर किसी के कान में दर्द होता है तो इसके पत्तों को तोड़कर सुखाकर उसे जलाकर उसका धुआं कान के अंदर छोड़ने से कान का दर्द ठीक होता है, और अगर कान के अंदर कोई कीड़े घुस गए हों तो वह कीड़े भी इसके धुआं से बाहर निकल आते हैं। और दूसरा उपाय दोस्तों यह है कि अगर कान में दर्द होता हो तो इसके पत्तों को गर्माकर हथेली में रगड़कर रस निकालकर 2 या 3 बूंद कान के अंदर इस बनभाटा के पत्तों का रस डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी के दांत में दर्द होता हो तो उस दर्द को दूर करने के लिए आप इस सफेद कटेरी के फल, सूखे फल को जलाकर उसका धुआं अगर दांतों के जड़ में किसी भी तरीके से पहुंचाते हैं या खींचते हैं मुंह खोलकर, तो वह दांत का दर्द तुरंत तुरंत दूर हो जाता है। दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी को पथरी का रोग है, अस्मरी का रोग है, तो वह इसके 2-3 फल ले ले और 1 या 2 चम्मच ले ले गोखरू, और 1 चम्मच ले ले मुलेठी, 1 गिलास पानी में डालकर पकाए, पकाते पकाते 3 हिस्सा पानी जला दे, मात्र 1 हिस्सा पानी बचा ले। उस पानी को ठंडा करने के बाद मठा या छाछ में डालकर सेवन करे। मठा कम से कम 200 ml से लेकर 300 ml तक होना चाहिए। तो इस काढ़ा के सेवन से पेशाब खुलकर होगा, पेशाब में किसी भी प्रकार का रुकावट होगा वह रुकावट दूर हो जाएगा, और पेशाब के साथ पथरी जो है चूर चूर होकर बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, इस बड़ी सफेद कटेरी की जड़ धातु रोग को भी ठीक करने का काम करता है, लेकिन जब कोई पुरुष धातु रोग में इस बड़ी कटेरी की जड़ का इस्तेमाल करे तो इसके पाउडर के साथ सफेद मुसली का पाउडर मिला ले बराबर मात्रा में, और कौच का बीज भी मिला ले बराबर मात्रा में। तीनों को मिलाकर किसी डब्बे में सुरक्षित रख ले और सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करे, तो उसका वीर गाढ़ा होगा, पुष्ट होगा, और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेंगे, जिससे वह पुरुष अपने आप को काफी ताकतवर महसूस करेगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर किसी स्त्री को लिकोरिया परदल रोग की शिकायत है, सफेद पानी की शिकायत है, तो वह भी इस बड़ी कटेरी के जड़ को पीसकर पाउडर बना ले, पहले छांव में सुखा ले फिर पाउडर बना ले, और उस पाउडर में बबूल का गोंद बराबर मात्रा में मिला ले, और भिंडी के जड़ पीसकर भी उसी में मिला ले। यानी वह भी तीनों चीज को मिलाकर किसी डब्बे में सुरक्षित रख ले और सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करे, ऊपर से दूध पिए, तो उसे भी फायदा होगा लिकोरिया रोग में। अगर किसी को संतान नहीं होता है, बे औलाद है, उन लोगों के लिए यह सफेद कटेरी यानी बड़ी सफेद कटेरी एक ईश्वर का वरदान है। इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, इस सफेद बड़ी कटेरी के जड़ को उखाड़ कर छांव में सुखा कर पीस कर पाउडर बनाकर स्त्री पुरुष दोनों 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करे, तो पुरुष और स्त्री दोनों को फायदा होगा, और उनका गोद भर जाएगा, उनके भी घर आंगन में बच्चे खेलने लगेंगे। इतना अद्भुत चमत्कारी है यह जड़ी बूटी जो आप देख रहे हो, सफेद बड़ी कटेरी। दोस्तों, सर्दी खांसी जुखाम बुखार में भी आप इसके फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसके फल के साथ कुछ और जड़ी बूटियों का सहयोग लेना पड़ता है।
इसके फल का काढ़ा बनाकर पीना पड़ता है। काढ़ा बनाने का तरीका यह है कि करीबन इस बन भाटा यानी सफेद कटेरी के फल ले लीजिए, सूखे सूखे, पके पीले पीले, क्योंकि इस बन भाटा का फल पकने के बाद पीला हो जाता है, और पका हुआ फल पीला पीला ले लीजिए, दो पीस लीजिए, बस दो पीस लीजिए, और करीबन 5 ग्राम मुलेठी, 5 ग्राम काली पीपली, 5 ग्राम काली मिर्च, 3 ग्राम सौंठ, 3 ग्राम सूखे तुलसी पत्तों का पाउडर, 3 ग्राम कुलंजन, 1 ग्राम अजवाइन, 1 ग्राम हल्दी और 1 ग्राम चिरैता और 1 ग्राम कुटकी का पाउडर और 25 ग्राम गुड़ और 200 ml पानी में डालकर इसे पकाना है। पकते पकते जब इसका आधा पानी जल जाए, आधा बचे, तो उस आधा पानी को आप दो हिस्से में बांट दीजिए और सुबह शाम उसे गर्म करके चाय जैसा धीरे धीरे पीजिए, तो आपका सर्दी खांसी जुखाम और सीने में जमा हुआ कफ बिल्कुल साफ हो जाएगा। दोस्तों, दर्द और सूजन में इसके पत्तों को तोड़कर, ताजे ताजे पत्तों को तोड़कर पीस कर चटनी बना लीजिए, और जितना इस बनभाटा के पत्तों की चटनी हो उतना ही इमली के पत्तों की चटनी बना लीजिए, और करीबन दोनों चटनी में 50 ग्राम तक सेंधा नमक मिलाकर और 25 ग्राम सरसों का तेल डालकर आग में गरमा लीजिए। गरमाने के बाद जहां दर्द मोच चोट हो वहां पर लेपन कीजिए, लेप कीजिए, तो दर्द और सूजन में फायदा होगा, आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी के सीने में कफ जमा हुआ है तो आप इस कटेरी के फल को लेकर पीस कर सरसों के तेल में पकाकर सीने में लेपन करते हैं और तवा गर्माकर किसी कपड़ा से उस सीने को सेकते हैं, तो सीने का जमा हुआ कफ ढीला होकर संडास के साथ, पैखाना के साथ बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, आप इस जड़ी बूटी के फल, पत्ते, जड़, छाल सभी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोगों में, तकलीफों में। अगर मान लीजिए किसी का बाल उड़ रहा है, झड़ रहा है, बालों का रोग है, तो उस रोग को दूर करने के लिए आप इसके फल या पत्ते, आप इसके फल और पत्ते दोनों को पीसकर चटनी बना लीजिए, और उस चटनी के बराबर मात्रा में शहद मिलाकर उड़े हुए बाल के ऊपर लगाइए, लेप कीजिए, तो आपका उड़ा हुआ बाल दोबारा उगने लगेगा, और अगर कीटाणुओं की वजह से बाल झड़ा होगा तो वह कीटाणु भी जड़ से नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। दोस्तों, कृमि रोग में यानी पेट के कीड़े को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, आप इसके फल को पानी में पकाकर काढ़ा बना लीजिए और उस काढ़ा में से 10 ml काढ़ा बाहर निकालिए। जब वह काढ़ा ठंडा हो जाए तो उसमें 20 ग्राम शहद मिलाकर पिला दीजिए, जिसके पेट में कीड़े होंगे वह कीड़े पैखाना के साथ बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी को भूख नहीं लगता हो, खाने बिन तरसता हो, तो उसके लिए भी यह जड़ी बूटी बहुत ही फायदेमंद है। आपको क्या करना है वह जान लीजिए। इस बड़ी कटेरी के फल को घी में भूनकर, पीसकर, छाछ में मिलाकर पीने से भूख खुलता है। यह जड़ी बूटी भूख खोलने का भी काम करता है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी शरीर में होने वाले दाद, खाज, खुजली को भी ठीक करने का काम करता है, गलित कुष्ठ रोग को भी ठीक करता है, यानी त्वचा विकार जितने भी हैं शरीर में होने वाले सभी पे यह कामयाबी से काम करता है। बस आपको क्या करना है वह जान लीजिए। इस बड़ी कटेरी के फल और पत्तों को लेकर पीस कर चटनी बना लीजिए। अगर 100 ग्राम चटनी बना चुके हैं तो उस 100 ग्राम चटनी में करीबन 200 ml तक करंज का तेल और 50 ग्राम कपूर और 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर सबको डालकर आग में पकाइए। पकाने के बाद उतार कर ठंडा करके आप डब्बे में रख लीजिए, और फिर जहां जहां खुजली हो, गलित घाव हो, वहां वहां लगाइए। वह दाद, खाज, खुजली और गलित घाव, कुष्ठ रोग, चर्म रोग ठीक होगा। इतना फायदेमंद है यह सफेद बड़ी कटेरी। दोस्तों, यह बड़ी कटेरी बुखार को भी उतारने का काम करता है। इसका काढ़ा बनाकर पीना पड़ता है। काढ़ा बनाने का तरीका यह है कि करीबन 5 ग्राम
बड़ी कटेरी के फल के सूखा हुआ पाउडर ले लीजिए और 5 ग्राम देवदारू के छाल का पाउडर, 5 ग्राम कुटकी का पाउडर, 5 ग्राम हल्दी का पाउडर, 5 ग्राम नीम के छाल का पाउडर, 5 ग्राम चिरैता और 5 ग्राम आंवला, 5 ग्राम हर्रा, 5 ग्राम बहेड़ा, इन सब चीजों को मिलाकर 1 लीटर पानी में डालकर पकाइए और आधा लीटर पानी जला दीजिए, आधा लीटर जो बचे उसे काढ़ा के रूप में उतारकर बाहर रख लीजिए और उस काढ़ा में से 10 ml से लेकर 30 ml दिन में 3 बार सेवन कीजिए तो हर प्रकार के बुखार उतरने लगेगा इस काढ़े के सेवन से। दोस्तों इसके और भी फायदे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घुटनों में दर्द होता है, जोड़ जोड़ में दर्द होता है, तो वह बड़ी कटेरी के 25-30 फल ले ले और धतूरे का फल ले ले, करीबन 2-3 फल ले ले और मलकांगनी का तेल 500 ग्राम लेकर उसमें खूब पकाए, जब 2-3 उबाल मार ले तो उस तेल को उतार कर ठंडा कर ले और जब तेल ठंडा हो जाए तो उसमें 100 ग्राम जैतून का तेल मिला दें और फिर उस तेल से आप दर्द के स्थान पर मसाज करें, चाहे चोट का दर्द हो, मोच का हो, कमर का दर्द हो, हाथ पैर का, गर्दन का दर्द हो, शरीर में होने वाले किसी भी दर्द पर अगर उस तेल से आप मसाज करते हैं तो आपको दर्दों से राहत मिलेगा, आराम मिलेगा। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, इस तरह से यह जंगली भाटा, वन भाटा, सफेद बड़ी कटेरी हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। इसके जितने भी फायदे बताए जाए बहुत ही कम लगते हैं। दोस्तों यह सफेद बड़ी कटेरी बड़ा ही दुर्लभ होता है, कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। इस सफेद बड़ी कटेरी का गुण धर्म भटकैया से 2 गुना अधिक होता है, लेकिन यह जड़ी बूटी का पौधा हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए लोग भटकैया का उपयोग करते हैं अपने रोगों को ठीक करने के लिए, क्योंकि भटकैया यानी छोटी कटेरी का पौधा हर एक जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।